हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 31 मार्च 2019 है और इस तरह से मार्च की एक्सपायरी हो चुकी है। आज संडे का दिन है और आज निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी 50 पे 11,623.90 का क्लोजिंग दिया है और बहुत ही अच्छा रहा आपका पूरा निफ्टी, पूरे मंथ अच्छा वो वर्क किया और अच्छा क्लोजिंग देखे, अच्छे क्लोजिंग के साथ मार्च की बाइंग दिखाई आपको। तो अभी अप्रैल कैसा रहेगा? तो नटसम बोले तो अप्रैल एक रेंज बाउंड हो सकता है। अप्रैल उतना आपको बुलिश नहीं दिखेगा जितना पॉजिटिव रहेगा। अल्टीमेट इसको अप्रैल में क्लोजिंग जो देनी है बुलिश ही देनी है, मार्केट रिजल्ट तक अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा रनअप ले चुका है, अपने हाई 800 की ओर जा रहा है, तो इसलिए 800 में अभी तुरंत के तुरंत पहुँचा देगा तो ये 12,000 तक की ओर जाते हुए दिखेगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको रेंज बाउंड करते हुए लेके जाए ऊपर की ओर या बुलिश करके लेके जाए। तो मार्च की तरह बुलिश नहीं रहेगा लेकिन ये बुलिश ही रहेगा, तो आपको फॉल पे बाय रखना है, शॉर्ट नहीं रखना है। शॉर्ट एकदम नहीं करना है, अप्रैल एंड तक नहीं करना है, आपको डिप पे बाय करना है, मीन्स डिप पे एक्यूमुलेशन करना है। यही मैं आपको अपने बैंक निफ्टी पे भी बताया था और अगर किसी ने किया होगा तो आज 31,000 पे बहुत अच्छा फायदा उठाया होगा। आगे भी बैंक निफ्टी में भी आपको जब तक ये 30,900 31,500 की ओर, पहले तो 30,900 पे एक उसको रेसिस्टेंस मिलेगा और फिर 31,500 की ओर जाएगा तब रेसिस्टेंस मिलेगा। उसी ओर जाते हुए आप देखिए नीचे जाता है तो हर 500 पॉइंट पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक बार छोटा सा इसका जल्दी से फास्ट स्पीड अप पे इसका डाटा चेक कर लेते हैं कि जो क्लोजिंग दी है कैसे दी है। 11,623 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 3 पॉइंट पर डब के साथ। एडवांसेस 33 है, डिक्लाइन 17, मतलब एडवांसेस ज़्यादा है तो आपको ये समझना है एडवांस की ओर पोर्शन ज्यादा दिखता है। अब देखिए एनबीएफसीसी भी सारे चलने लगे हैं मार्केट में, जैसे ही फंड इन्फ्यूजन हुआ अभी सारे चलने लगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले आने दिनों में ये करेंगे। आईटी सेक्टर पे कॉशियस पोजीशन रखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा उसने रिटर्न दे चुका है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर चलेगा नहीं लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा रहेगी, उससे कहीं अच्छा ये सेक्टर जो पिटे हुए वो चलेंगे। उसमें आपको एनबीएफसी वगैरह बैंक जो रहेंगे ये अच्छा चलेंगे। और देखिए उसमें इंडिया बुल हाउसिंग कितना अच्छा चला, वेदांता, ग्रासिम, यूपीएल, बीपीसीएल। वेदांता भी अच्छा चलेगा और मेटल इंडस्ट्री भी अच्छा चलेगी। मेटल इंडस्ट्री में एक बुलिश पैटर्न में फॉर्मेशन हो रहा है तो मेटल इंडस्ट्री पे वॉच रखिए, उसके जो कंसिस्टेंस है, उसके जो शेयर है मेटल पे उस पे वॉच रखिए। स्पेशली नालको, सेल, टाटा स्टील, टाटा स्टील अच्छा खासा कंसिस्टेंट उसकी पोर्शन रहती है तो टाटा स्टील ये सब पे वॉच लिस्ट पे रखें। जो लूजर रहे गेल, इंडसलैंड बैंक, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, इंफ्राटेल। आइशर मोटर 19,500 पे बहुत अच्छा खासा इसको रेसिस्टेंस है, ये रेंज बाउंड खेल रहा है, मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताया ये रेंज बाउंड है और अभी भी रेंज बाउंड ही है ये। अगर ये तोड़ेगा तो जिस ओर जाएगा वो 3,000 से 4,000 आपको देगा, इधर ये 16,000 जाएगा या इधर 28,000 जाएगा। तो जिस ओर भी जाएगा आपको 22,500 क्रॉस करेगा तो 28,000 की ओर जाते हुए दिखेगा, 19,500 तोड़ते हुए दिखेगा तो 16,000 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो जिधर जाएगा रेंज बाउंड में है ये। अगर मैं एक बार इसके अगर एफआईडीआई की बाइंग बोलूं तो लास्ट डे को जो देखेंगे 29 मार्च को 86 करोड़ की एफआई ने सेलिंग की है और डीआई ने बाइंग की। जैसे मैं आपको पहले बोला जब ये सेल करेगा तो ये बाय करेगा, डीआई बाय करेगा। अब देखिए उल्टा रिवर्सल हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं लगता है मुझे कि एफआई स्टॉप कर देगा, अभी बाइंग होगी। तो कहीं ना कहीं एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग पे आ रहा है, दिख रहा है, तो आपको डीआई सपोर्ट करते हुए दिखेगा। बट डीआई उस हिसाब से बाइंग नहीं करेंगे जिस हिसाब से एफआई ने किया। एफआई ने देखा तो क्या किया है तो आप देखेंगे तो 33,981 करोड़ की बाइंग कर दी केवल मार्च में। टोटल बाइंग उसकी 46,000 करोड़ की आ चुकी है और वो भी जबकि 6,262 करोड़ जनवरी में सेल था, मतलब 34,000 करोड़ की बाइंग हो गई। वैसी बाइंग आपको शायद डीआई करते हुए नहीं दिखेगा। जब डीआई वैसी बाइंग करते हुए नहीं दिखेगा तो मार्केट उस तरह से नहीं भागेगा जैसा मार्च में भागा है, लेकिन भागेगा जरूर। निफ्टी में देखें तो निफ्टी अगर देखें इंडेक्स की बात करें तो सारे इंडेक्स ग्रीन में बंद हो रहे हैं, अच्छा है। विक्स थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा सा ना कहीं स्टेग्नेंसी दिखा रहा है या ये शो कर रहा है थोड़ा रुक के चलेगा, लेकिन चलेगा ऊपर की ओर। निफ्टी बैंक देखें यहाँ पे अगर सेक्टरल देखें तो सारे पॉजिटिव हैं, थोड़ा पीएसयू बैंक में और प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। और दूसरे इंडिसेस भी देखें तो वो भी अच्छा ग्रीन में दिख रहा है। अगर मैं आपको
अगर निफ्टी के सारे कंस्टिट्यूंट्स को दिखाऊं जितने उसके 50 हैं, तो 33 एडवांस है, डिक्लाइन 17 है। अच्छा परफॉर्म कौन किया है? इंडिया बुल वेदांता, इंडिया बुल 49 पॉइंट, वेदांता 6, ग्रासिम 29, UPL, BPCL, MNM। और लूजर के रूप में कौन रहे हैं मेनली? गेल, इंडिया इंडसलैंड बैंक, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, इंफ्राटेल, ITC, ये सब ऐसे लूजर रहे। एक बार मैं निफ्टी जो है उसके मेटल सेक्टर को भी देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेटल में एक बाइंग आ रही है। तो निफ्टी मेटल के कंस्टिट्यूएंट देख लीजिए, जिंदल स्टील, सेल, नेशनल एल्युमिनियम, NMDC, वेल्सपन कॉर्प, वेदांता, टाटा स्टील, JSLR, JSW, हिंडालको, MOIL, हिंद कॉपर। तो आप इन सबों को देख लीजिए और इनकी जो रिटर्न अभी तक की आई है 30 डेज की, जहाँ कम है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चांसेस ज़्यादा है, मैंने आने की ज़्यादा, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे वेदांता गिरते हुए दिख रहा है 33%, 36.5 डेज, और JSLR शेयर ये 40% दिख रहा है, 22% हिंदुस्तान कॉपर दिख रहा है, MOIL 18% दिख रहा है, 28% अलापोलो दिख रहा है, कोल इंडिया 16% दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल 23% दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब में बाइंग आएगी। तो जो छोटे स्क्रिप्ट के हैं, कम इन्वेस्टमेंट वाले, सेल, नेशनल एल्युमिनियम जो कि आपको देखिए नेशनल एल्युमिनियम 16% गिरा हुआ, सेल 23% गिरा हुआ है, NMDC 11% गिरा हुआ है, टाटा स्टील देखेंगे तो इतनी गिरावट के बाद भी सिर्फ 8 से 9% गिरा हुआ है, तो ये सब में आपको अच्छी बाइंग आते हुए आपको कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर में दिखेगी। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो ये डेली चार्ट में जब बात करें तो इसके सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए आप देखेंगे 20 येलो जो है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, ये वाला जो लाइन है, और ये सारे को क्रॉस करते हुए आप देखेंगे कहीं पे भी ये अपने 9 डेज के मूविंग एवरेज को छोड़ा नहीं है और ये ऊपर की ओर है। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो ये जो आता है 11,474 आता है। तो आप किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर लगता है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है कि ये 11,474 तोड़ता है तो एक बार आप इसमें हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी, तो आप 11,474 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ उसका एक कारण क्या है कि यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल बना है, अब वो फ्राइडे होने के चक्कर में भी बन सकता है कि लोग ने फ्राइडे को कोई ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं किया हो, मंडे को ये क्लैरिटी आ जाएगी ये किस ओर जाएगा। लेकिन जो आप देखेंगे यहाँ से क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, ये लो बनाया था 11,311 का, इसने यहाँ लो बनाया 11,352 का, उसके बाद क्या बनाया 11,413 का, उसके बाद 452 का, और उसके बाद 570 का, तो लो जो है वो हायर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि मार्केट जो है ऊपर का डायरेक्शन ले सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर बोलिंगर बैंड भी दिखाऊं तो बोलिंगर बैंड भी जो दिखा रहा है यहाँ पे इंडिसिसिव के बाद एक बार लगता है ये 11,772 की ओर जाते हुए आपको दिखता है, और बोलिंगर बैंड का जो लोअर मिडिल है 11,291 है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हैं तो 11,291 पे एक बार जरूर कॉशियस पोजिशन रखें। दो पोजीशन है जहाँ पे आपको कॉशियस वॉच रखनी है, 11,474 और 11,292। अगर ये दोनों ब्रेक होता है तो ये नीचे की ओर जा सकता है, अदरवाइज आप इसको 11,772 की ओर जाते हुए देख सकते हैं। अगर मैं इसको डेरिवेटिव में एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो 4 अप्रैल की जो क्लोजिंग है, 4 अप्रैल की निफ्टी की जो एक्सपायरी होने वाली है और 11,632 पे 23 पे क्लोजिंग दे रहा है, ये क्या शो कर रहा है? तो ये 11,600 पे एट द मनी पे देखें तो आप देखिए यार 2,45,000 के 11,600 पे बाइंग हो रही है, 11,650 पे 1,20,000 की बाइंग हो रही है, 11,700 पे देखेंगे तो 5,98,000 की बाइंग हो रही है, और सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 12,12,000 का 11,700 पे ही है। तो कहीं ना कहीं 11,700 क्रॉस करने में जरूर इसको 4 तारीख तक हो सकता है कि इसको 11,700 क्रॉस करते हुए आपको नहीं दिखे और 11,700 की ओर ही जाते हुए आपको दिखे, तो ये कहीं ना कहीं आप नीचे की ओर कहाँ देखे तो 11,19,000 का आपको 11,500 पे, तो 11,500 से 11,700 के रेंज में आपको लगता है 4 तारीख तक की एक्सपायरी तक ये हो सकता है आपको ट्रेवल करते हुए दिखे। 11,600 में पुट की ओर देखे तो यहाँ पे 6,23,000 से शॉर्ट किया जा रहा है, ये सेम पैटर्न 11,600 पे पुट पे शॉर्ट किया जा रहा है, 11,600 पे पुट पे बाइंग की कॉल पे बाइंग की रही है, ये क्लियर इंडिकेशन है। और शॉर्ट का पोजीशन जो है कॉल से 3 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ 2 लाख का है तो यहाँ 6 लाख का, मतलब कि इतनी श्योरिटी है कि 11,600 तो ब्रेक होने वाला नहीं है और वो ऊपर की ओर जाएगा इतनी श्योरिटी के साथ शॉर्ट किए हुए। तो कहीं ना कहीं मार्केट 4 तारीख तक आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा। फिर भी एक जो सबसे बड़ा इशू है वो इंडिसिसिव पैटर्न का है। फ्राइडे को हम ये मान के चलते हैं
ये क्लोजिंग आवर था, इसके लिए शायद किसी ने ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो एक थोड़ा सा एक खाली ये इंडिसीजन पैटर्न अपने को डराता है, अदरवाइज मार्केट में बुलिश पैटर्न है और आपको हर 50-100 पॉइंट के फॉल पे आपको निफ्टी में बाइंग पोजीशन फ्यूचर में ऑप्ट करनी चाहिए। निफ्टी पे हर 100-150 पॉइंट पे आपको बाय एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसा मैंने आपको 5 लॉट बोला, 5 लॉट की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए बाइंग की, और हर 150 पॉइंट पे या 100 पॉइंट पे आपको एक लॉट को एवरेज करना चाहिए अप टू 11800 तक, 11772 जो कि बोलिंगर बैंड्स के अपर ट्रेंड में है, यहाँ पे ऊपर जाते हुए आपको दिख सकता है। एक बार बाहर के मार्केट को भी देख लें तो डॉ में देखिए 217 पॉइंट की खरीदारी है, S&P पे 18 पॉइंट की, 60 पॉइंट के नासडेक में, तो ये आपके बाहर का मार्केट भी पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर फॉरेक्स की बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा यूएसडी डॉलर कमजोर होते हुए दिख रहा है, यूएसडी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 70 के नीचे है और जब तक 70 के नीचे है यूएसडी तो आपको स्ट्रांगनेस दिखेगा। कॉमोडिटी में अदर देख लें, क्रूड देख लें, तो क्रूड भी थोड़ा सा अपसाइड जा रहा है, तो हो सकता है कि कमिंग डेज में एक बार प्रेशर आते हुए आपको दिखे, बट अभी निफ्टी में नहीं दिखेगा। और अप्रैल की जो क्लोजिंग होगी वो बुलिश पैटर्न होगी और कहीं ना कहीं जैसा मार्च जैसा रिटर्न तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अप्रैल में भी आपको रिटर्न अच्छा खासा देखने, 11800 के ऊपर हो सकता है कि एक बार जाते हुए मार्केट अप्रैल में आपको दिखे। तो पॉजिटिव व्यू के साथ मार्केट में आप चाहें तो बने रह सकते हैं। और जो मार्च में टोटल बाइंग देखे 33,981 करोड़ की FI की, शानदार बाइंग हुई, ये बहुत ही अप्रिशिएबल है और इतनी ह्यूज बाइंग हुई है कि आप देखेंगे कि पूरे साल का, जो पहले भी मैंने ये बताया था आपको कि पूरे साल भर में 33,000 का सेल हुआ अकेला वो आकर के 2018 के पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक देखें, तो यहाँ जहाँ 33,000 करोड़ का सेल हुआ था अकेला खाली उसने 2019 में जा करके बाइंग कर ली है। अब देखेंगे 33,981 करोड़ का केवल मार्च में बाइंग हो चुकी है, तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट FI ने किया है और जिससे मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए आपको देखने को भी मिला है। तो निफ्टी में एक पॉजिटिव व्यू के साथ आप पोजीशन ले सकते हैं और कहीं ना कहीं 11600 का कॉल जो कि आपको सिर्फ 97 रुपीज़ में लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इस पे, या 11700 का कॉल जो कि 55 रुपये पे है इस पे ट्रेडिंग पेपर ट्रेड करके वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं, 75 का लॉट होता है। तो ये मेरा कोई भी बाइंग और रिकमेंडेशन सलाह नहीं कि आप बाय कर ले मार्केट में या अपने पोजीशन को बनाएं, ये सिर्फ आप वॉच रखें, देखें, सीखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई सलाह लेने के बाद ही मार्केट में पोजीशन बनाएं। पैसा आपका है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।